नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली स्टडी मैटर में। मैं हूं अरुण और हम आपके लिए लेकर आए हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न कि किस देश के चारागाह को बेल्ट कहा जाता है। तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के। अगला प्रश्न है कि 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। तो उत्तर है वित्त सचिव भारत सरकार के। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है। तो उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है। तो उत्तर है सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था। तो उत्तर है 5 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न है कि सभी ने अभिज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर है दांडी से। अगला प्रश्न है कि मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है। तो उत्तर है बिहार की। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो उत्तर है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है कि झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर है एशियाई कोयल। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है। तो उत्तर है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित होता है। तो उत्तर है केरल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा सीवाला। अगला प्रश्न है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था। तो उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो प्रथम यूरोपीय थे, उत्तर है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है। तो इसका उत्तर होगा एब्सिसिक एसिड। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम उद्योग में कच्चे तेल को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा आंशिक आसवन द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है। तो उत्तर है यूरेनियम। अगला प्रश्न है कि हवा में के कारण चांदी का क्षय होता है। तो इसका उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। अगला प्रश्न है कि विश्व क्षय रोग दिवस वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा 24 मार्च को। अगला प्रश्न है कि विराट कोहली और मार्टिन गप्टिल को पीछे छोड़कर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा रोहित शर्मा। अगला प्रश्न है कि तारे टिमटिमाते हैं किस कारण। तो इसका उत्तर है अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है कि बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली है। तो इसका उत्तर है पाकिस्तान से। अगला प्रश्न है कि कोण की इकाई क्या होती है। तो उत्तर है रेडियन। अगला प्रश्न है कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका उत्तर होगा आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है। तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है। तो इसका उत्तर होगा ओम। अगला प्रश्न है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न है कि भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो इसका उत्तर है असम। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सामान्य ताप पर द्रव है। तो उत्तर है पारा। अगला प्रश्न है कि इनमें से वह कौन सा राज्य है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका उत्तर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है कि होम्योपैथिक का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा हैनीमैन को। अगला प्रश्न है कि 1 घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है। तो इसका उत्तर होगा 15 डिग्री देशांतर। अगला प्रश्न है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। तो इसका उत्तर है 1540 में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है। तो इसका उत्तर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। तो इसका उत्तर है चंदावर का युद्ध। अगला प्रश्न है को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है कि मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, उसे किसके द्वारा भारत भेजा गया था। तो इसका उत्तर होगा मेगास्थनीज जो है ना सेल्यूकस ने जो है उसको भेजा था। अगला प्रश्न है कि परमाणु नाभिक के अवयव है। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे है। तो इसका उत्तर है समुद्रगुप्त से।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा कालिदास को। अगला प्रश्न है कि पिरामिड की जो है राष्ट्रीय इमारत है, तो पिरामिड जो है ना मिस्र की राष्ट्रीय इमारत है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद लोकसभा से संबंधित है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 81। अगला प्रश्न है कि भारत में किस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई, तो उत्तर है प्लासी के युद्ध में 1757 में। अगला प्रश्न है कि सर थॉमस रो किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान भारत आए, तो उसका उत्तर होगा जहांगीर के शासनकाल में।